हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी है ना, हम आ चुके हैं भरतपुर स्टेशन, और अचानक से ही जाने का प्लान हुआ था। तो काफ़ी लोग कह रहे थे दी आप कहाँ जा रहे हो, तो मुझे भी सच बताऊँ तो नहीं पता था। अचानक से ही है ना कॉल आया, फिर जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग फिर है ना हम लोगों को जल्दी जल्दी से टिकट का इंतज़ाम करना पड़ा और जल्दी जल्दी से ही निकलना पड़ा। किसी भी तरह की हमारी कोई तैयारी नहीं थी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे, और ये यहाँ तक की वीडियो मैंने कल आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन ट्रेन में चढ़ने का और ये सब हम लोगों ने शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे थे साथ में, इतना सारा लगेज था तो न। और यहाँ पर गाड़ी है ना केवल 2 से 3 मिनट रुकती है, तो इस वजह से क्या है कि फिर हम लोग है ना वीडियो को बंद करके फटाफट से गाड़ी पर चढ़ गए। सूट के से निकाल देना, चल ब्रश करा के ला, चल ऊपर ऊपर ही है। हम कहाँ पर हैं? पता नहीं अभी तो। ट्रेन मतलब ऊपर ही तो नीचे दो है ना, ऊपर नीचे ये, हाँ नीचे नीचे वाला, हाँ ये कीमती सामान निकाला है सूटकेस में। इतना कीमती सामान इतने 4 लॉकर में रखा था तेरी मशीन है। अगर बाहर कंबल के अलावा मैंने कुछ रखा है? बाहर कंबल रखे थे। हाँ बोल ना मौसी, क्या मौसी है? आप भी वीडियो में अपना इंट्रोड्यूस दे दीजिए। इंट्रोड्यूस नहीं होता, इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस जो भी हो, मैं तो बस मांग रही हूँ। इंट्रोडक्शन होता है पहले तो। मैं तो बस मांग रही हूँ जो है वो दे दो। चल आता, चल ब्रश करा। हेलो पापा, हाय। पापा तो है ही नहीं, पापा को वीडियो भेजेंगे। ये आपकी कबूतरी लटक रही है ऊपर। अरु कैसा लगा ट्रेन का सफर? अच्छा। कबूतर कबूतरी आप बोलो, कैसा लगा ट्रेन में? अच्छा। मजा आई? हाँ। अच्छा से बोलो, ऐसे चिल्लाओ नहीं। हाँ। और सेकंड टाइम आओगे ट्रेन में? आओगे दोबारा? यस। पापा के संग? नहीं मम्मी के संग। सब आएंगे हुई है, मजा आई है ट्रेन में। अभी रुके हैं हम स्टेशन पे। कौन सा स्टेशन? कौन सा स्टेशन है ये? यस। तो अभी हम आ गए हैं पालनपुर। मेरी फ्रेंड है, पता है मेरी सब्सक्राइबर है मंजू, मंजू के वहाँ पर मंजू डांटने वाली है मुझे। बताओ मैंने क्या खाया है? क्या खाया? क्या खाया मेरे बेटा ने? चिप्स खाई है। नहीं जैकेट नहीं उतारते। अरे ये तोपा, तोपा उतार, तोपा रख दे, तोपा बैग में रख दे, ले बैग में डाल। टोपी की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ से हो जाए तो मैं भी हटा दूंगा। हाँ क्या बेटा? हेलो पापा। इसी ने नहीं सुनी, ड्रामे वाली लड़की है, ड्रामे वाली। बोलो, आजा नीचे आजा। कबूतरी ऊपर क्या कर रही है? नीचे आजा। मैं टॉफी नहीं दूंगी। नीचे पापा देख रहे हो? नीचे हम स्टेशन दिखाएंगे। ऐसे स्टेशन मौसी है, खिड़कियों में लगी रहती है मौसी को। खोल तो नहीं बेटा, वो नहीं, कांच नहीं खोलना, हवा आएगी। तो मोलू तो ना पहली बार ट्रेन में आया, और मोलू अभी देख रहा है मालगाड़ी। उसको ना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ही देखा, वो कभी ट्रेन में आया ही नहीं। क्योंकि मैं 4 सालों से तो मैं मायके आई नहीं थी, कहीं गई नहीं थी, तो ट्रेन में कैसे बैठता। और ज़्यादातर ट्रेन में हम लोग तभी बैठते हैं जब दीदी के वहाँ जाते हैं या फिर मायके जाते हैं, ये दो जगह जाते हैं तभी हम लोग ट्रेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना हमने आरू को डांट के बिठाया है क्योंकि आरू ने इधर उधर भग रही थी, हम दोनों ने इसको पकड़ के अपने बीच में बिठा लिया। आरू को ना हम दोनों के बीच में ऐसे ही रखना पड़ेगा बिठा के। मौजी और मम्मी के बीच में ऐसे बैठेगी तू? दब गई तू? आरु बोलू अब उतरेंगे? नहीं उतरना, उतरना है। मजा आ रही है? ये आरु बोलू का दोस्त है, काजू खा रहे हैं। काजू खा लो, खा लो, उसके बाद खिड़की को लेंगे, पहले काजू खा रहे। तू कहाँ खिड़की याद दिला रही है उसको? हाँ तो लेने दो उसको। मैंने दिया था काजू, तू भी खा ले, चल जल्दी खा ले। बस तो अब हम ट्रेन से उतर रहेंगे। बोलू ये अब उतरेंगे ना? हाँ। ना आरू? हाँ। तो
उतरेंगे ना, लगाए चलो सारा सामान पैक हो गया, अब हम लोग उतरने की कर रहे हैं तैयारी। सूटकेस निकाला और खींच, चल बेटा सूटकेस इसको ऊपर रखो तो थोड़ी जगह हो जाए। तो अब हम आ चुके हैं साबरमती स्टेशन। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ अहमदाबाद। तो यहाँ पर है ना अभी कालूपुर स्टेशन जो है ना मेन स्टेशन, वहाँ पर चल रहा है कुछ रिनोवेशन का काम, तो इस वजह से ट्रेन वगैरह साबरमती स्टेशन पे ही रुक जाती हैं, तो हमको अभी वहीं उतरना पड़ेगा। सो स्टेशन आ चुका है, सारा लगेज हमने इकट्ठा कर लिया, सारी चेकिंग कर ली कि कोई सामान हमारा रहा तो नहीं है, कोई चीज़ें हमारी इधर उधर रह तो नहीं गई हैं। उसके बाद बस सबको केयरफुली उतारेंगे स्टेशन से। और 4 सालों बाद जब मैं मायके आई ना, तो मुझे इतना अलग अलग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं 4 सालों में, और काफ़ी इंसान भी बदल चुके हैं। तो ऐसा होता है ना कि ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी नई जगह आ गई हूँ। तो 4 सालों से मायके नहीं आई थी, और काफ़ी आप लोग पूछ रहे थे ना दी कहाँ आई हो कहाँ आई हो, तो मैं अभी दीदी के वहाँ नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ मायके। और अचानक से आने का प्लान क्या बना, क्यों हम लोगों को रातों रात भगना पड़ा, उसका रीज़न जब मैं घर पहुँचूँगी ना तब आपको दिख ही जाएगा कि क्या हुआ था। वरना आप लोगों को पता था कि मैं नॉर्मली वीडियो बना रही थी, वरना मैं थोड़ी बहुत हिंट तो आप लोगों को दे ही देती, लेकिन हिंट देने का भी मौका मुझे नहीं मिला। मेरी एक्चुअली मेरी मम्मी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और हम लोग जो अभी ट्रेन से उतरे तब भी हमको पता नहीं था कि उनको छुट्टी मिली है या नहीं मिली है। जब मेरे पास फ़ोन आया मेरी बड़ी बहन का कि तुझे पता है मम्मी एडमिट है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। एक्चुअली मम्मी ने बताया ही नहीं था, बोल रही थी कि अगर मैं बता भी दूँ तो तू आ नहीं पाएगी, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। लेकिन जब मुझे पता पड़ा, 5 दिन हो गए थे मम्मी को एडमिट हुए और 2 दिन पहले मुझे पता पड़ी, तो फिर मैंने फटाफट से तत्काल की टिकट कराई। इसी वजह से आप लोग सोच सकते हो कि मैं आपके भैया को छोड़ के कभी नहीं कहीं जाती हूँ, लेकिन इस बार कहते हैं ना कि आना ही पड़ा, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे वो नाराज़ हो या ना हो, लेकिन हालांकि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मुझे इस बार जाने की इजाज़त दे दी। चल आगे चल, आगे चल। मम्मी के सीट कैसे लटक रहा है मोलू। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं साबरमती स्टेशन, और साबरमती स्टेशन से उतर के उसके बाद हम लोग जाएंगे बापूनगर सीधे मेरे मायके के लिए, क्योंकि बापूनगर के आसपास ही मेरा मायका है। बापूनगर से खोड़ियाल नगर इस तरह से रास्ते हैं, अब प्रॉपर तो मैं बता नहीं सकती कि कैसे क्या है। सो आप लोग कह रहे थे कि दी मिलने आना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं अभी मिलने आप लोगों से नहीं आ पाऊँगी किसी से भी, क्योंकि मम्मी की तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कोई पॉसिबल ही नहीं है कहीं भी निकलना या जाना। और आप लोगों को पता ही है कि मैं वैसे भी 4 सालों से मायके नहीं आई हूँ, और आई हूँ और किस सिचुएशन में आई हूँ वो भी आप लोगों ने देख लिया। हाँ तो क्या, बस हो गया। अरे बेटा अपनी मम्मी को ले जाएगी तू, ला मैं उठाऊंगी अभी बैग सारे। अरे वो गिर जाएगा। तो कालूपुर स्टेशन है ना, वहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है जैसा कि मैंने बताया ही था, तो इस वजह से क्या है कि हमको साबरमती स्टेशन आना पड़ा, और यहाँ पे ना हमको लगेज अपने हाथों में उठाकर लाना पड़ा, क्योंकि है ना यहाँ पे सारी चीज़ें बंद थी इस वजह से। सो अभी हम लोग निकल के जाएंगे ऑटोज़ के लिए, उसके बाद हम पहुँचेंगे घर। तो चलिए रास्ते में चलते चलते मैं आप लोगों को अहमदाबाद शहर दिखाती हूँ, उसकी एक झलक दिखाती हूँ कि अहमदाबाद शहर की झलक कैसी है।
अभी मैं आ गई हूँ साबरमती पुल, जहाँ पर कि मैं कॉलेज पढ़ने आती थी कभी, तो वो यादें ताज़ा हो गई। तो बच्चों को मैं दिखा रही थी कि देखो ये है साबरमती नदी, तो आप लोग भी मेरी वीडियोस में साबरमती नदी को देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो। और अहमदाबाद सिटी काफ़ी बड़ी सिटी है, ये तो बस रास्ते में ही मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था कि हम लोग स्टेशन से घर के लिए जा रहे थे वहीं पर, तो अच्छा लग रहा था देखना, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और नदी देखकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई कॉलेज टाइम की, क्योंकि हम लोग हमारे जो खाली पीरियड होते थे ना, उसमें यहीं पर नदी पे पुल पे आके बैठ जाते थे, काफ़ी अच्छा लगता था देखने में। और यहाँ पे आरू मोलू हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 15-15, 20-20 माले की बिल्डिंग्स थी फ्लोर की, तो उनको देख रहे थे, मम्मी कितनी बड़ी है ये, एक्चुअली वीडियो में भी नहीं आ रही थी ये बिल्डिंग जब मैं इसको शूट कर रही थी। तो बच्चों के लिए तो न हो जाता है ना नया, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं देखने के लिए, और बच्चे शहर में इतना निकलते भी नहीं हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा नया था यहाँ पे। और वैसे भी मैं जब यहाँ से गई थी तब शायद इतना डेवलप नहीं था अहमदाबाद जितना कि वो अब हो चुका है, पहले था लेकिन इतना नहीं था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी सोसाइटी में, और अभी बस यहीं यहाँ से 2 मिनट का ही रास्ता है, जो कि आप लोग देख लोगे कि पैदल चलते चलते ही हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी सोसाइटी, क्योंकि ऑटो से हम लोग बाहर ही उतर गए थे। और मैं जानबूझकर पैदल आ रही थी क्योंकि मुझे देखना था अपनी सोसाइटी को, जो कि मैंने 4 सालों से नहीं देखी थी। बहुत कुछ बदला सा लग रहा था, आसपास के लोग सब अनजान लोग दिख रहे थे। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हमारी लाइन में, तो यहीं से हमारा घर आप लोगों को दिख जाएगा कि हमारा घर कौन सा है। तो आप लोग भी देख लीजिए कि रिनू दीदी का अहमदाबाद में घर कहाँ है और कैसा है। तो घर का टूर भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी है ना हम लोग हंस जरूर रहे थे लेकिन दिमाग में इतना टेंशन था। और पता है जब हम घर पहुँचे तो हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ था कि मम्मी को है ना और छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से, और मम्मी घर आ चुके थे, और हम लोगों को पता ही नहीं था। हमको ये लग रहा था कि हम लोगों को ना डायरेक्ट अभी नहा धोकर हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन पापा बोल रहे थे, मैंने जानबूझ के नहीं बताया, मैंने सरप्राइज़ रखा था कि तुम लोग आओगी तो खुश हो जाओगी। और आप लोग देखना कि मेरी मम्मी की तबीयत कितनी ख़राब थी, वो कितनी कमज़ोर हो गई हैं। सो ये मोमेंट है ना, थोड़ा सा गला भर के आने वाला मोमेंट था मेरा। सो बस ये कि अभी तो फ़िलहाल हम लोग घर के लिए जा रहे हैं, और हमारे घर में नीचे तो किराएदार रहते हैं और मम्मी पापा रहते हैं ऊपर। तो चलिए पहले पूरा लगेज हम ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, और हमारे शेरू से मिलवाएंगे। हमारे घर में एक ऐसा भी पर्सन है जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मैं तो उसको बहुत प्यार करती हूँ। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को घर के एक एक पर्सन से मिलवाते हैं। नाना से मिल लो, बाद में फोटो पाल लिए, फोटो नहीं अपने शेरू डांस बैठा नहीं है, 2 पैर से खड़ा। तो अब हम आए हैं मम्मी के पास, और आप देख सकते हो मम्मी को, पता है इस मोमेंट में मैं शायद वॉइस ओवर भी नहीं कर पाऊँ, तो दीदी मम्मी के पास हैं, इसी वजह से मैं बाहर आ गई थी, और 4 सालों बाद अपनी मम्मी से मैं मिली थी। सो होता है ना, वो एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते हैं। और मिली भी तो किस सिचुएशन में कि मम्मी इस तरह से बीमार है, और हाथों में ड्रिप लगी थी, पूरा हाथ मम्मी का सूज रहा था, और देखना एकदम 2 दिन अभी मम्मी के पास रहे हैं, और मम्मी की हालत देखना कितनी अच्छी हो गई है। और ये था मेरी मम्मी का प्यार, मुझसे इस तरह से गले लग के रोई थी ना, मैं नहीं बोल सकती इस बारे में कुछ भी, उनको बहुत ज़्यादा मेरे आने का, जो क्योंकि मैं 4 सालों से नहीं मिली थी ना, शायद